ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेप बार सब्जेक्टेड टू द एक्सेल लोड विथ गैप एट वन एंड। ओके, ये जो टॉपिक है एफ ई ए का है ऑफ वन डायमेंशनल एलिमेंट, उसमें का सब टॉपिक है एक्चुअली लोडेड बार। उसमें का भी सब टॉपिक है ये है टाइप नंबर फोर, क्योंकि सॉरी टाइप नंबर टू में ही आता है, क्योंकि बोथ एंड फिक्स, बट बोथ एंड फिक्स विथ वन एंड में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे। ओके, देखिए सब में क्या दिया है, गैप है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है। एक स्टेप बार है जिसका एरिया कितना है 250 mm का स्क्वायर, सेकेंड है उसका एरिया कितना है 400 mm का स्क्वायर, इसका लेंथ दिया है 150 150 और यहाँ पे 300 दिया है। फोर्स पी जो है दिया है 300 kN दिया है, और ई जो दिया है वो दिया है 2.15 × 10⁵ Nm का स्क्वायर। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है राइट हैंड सपोर्ट, राइट हैंड साइड सपोर्ट इज डिफेक्टिव एंड इट कैन बी यील्ड बाय 0.3 mm। क्या लिखा है, इट कैन बी यील्ड बाय 0.3 mm, और गैप कितना लिखा है यहाँ पे 0.3 mm का गैप आप यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट अज्यूम दैट सम स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, ये इससे पहले आप ये लेक्चर देख लीजिए टाइप टू, जो कि बोथ एंड फिक्स्ड है। ओके, यहाँ पे ये मैंने इस तरह सॉल्व की, अदरवाइज टाइप वन जो है सिंगल एंड, ओके वन एंड फिक्स वन एंड फ्री, वो देख लेना बहुत ही जरूरी है। ओके, बिकॉज ये सब में दोनों केस होते हैं, ये सब में एक बार होगा कि मैं अज्यूम करूँगा कि एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है, बाद में दूसरा केस अज्यूम करूँगा कि मैं दोनों एंड क्या है मेरे फिक्स्ड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स अज्यूम दैट कि मेरा एक एंड फिक्स है और एक एंड के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके देयर इज नो सपोर्ट। ओके, क्या करेगा ये, एक्ट करेगा वन एंड फिक्स वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स वन एंड फ्री की तरह ये एक्ट करेगा। स्टेप वन है मेरा डिस्क्रिटाइजेशन करूँगा मैं कितने एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट है, यहाँ पे एक ही बार है स्टेप बार है जिसका एरिया सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट फोर्स आ रहा है, तो क्या करूँगा मैं इसको डिवाइड करूँगा एरिया को। ओके, और एलिमेंट यहाँ पे वन हो जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ पे टू हो जाएगा, और यहाँ पे एलिमेंट थ्री हो जाएगा। ओके, नाउ फॉर डिस्क्रिटाइजेशन क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट वन बनेगा, एलिमेंट टू बनेगा, और ये एलिमेंट थ्री बनेगा। देखिए एलिमेंट वन एलिमेंट टू और एलिमेंट थ्री, इसका स्टिफनेस होगा के वन, इसका स्टिफनेस होगा के टू, इसका स्टिफनेस होगा के थ्री, और यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है करके यहाँ पे नोड टू पे क्या आएगा, फोर्स आएगा टूवर्ड्स कहाँ पे, टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में। नाउ मैथमेटिकल मॉडल फॉर जनरल एलिमेंट आएगा इस तरह से, एक एलिमेंट लूंगा ओके जिसका लोकल नोड नंबर वन लोकल नोड नंबर टू, ओके वन डायमेंशनल एलिमेंट आए जे के फॉर्म में, ओके वन डायमेंशनल एलिमेंट आए और जे। नाउ तो ये होगा एलिमेंट ई जिसका स्टिफनेस होगा के ऑफ ई, यहाँ पे होगा यू वन ऑफ ई, यहाँ पे होगा एफ वन ऑफ ई, यहाँ पे होगा यू टू ऑफ ई, यहाँ पे होगा एफ टू ऑफ ई। ओके, नाउ थोड़ा फास्ट सिखा रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी सिखा चुका है टॉपिक में। ओके, नाउ थर्ड मेरा बनेगा टोपोलॉजी, ओके एलिमेंट नंबर, एलिमेंट नंबर वन, एलिमेंट नंबर टू, एलिमेंट नंबर थ्री, सॉरी यहाँ पे नोड नंबर वन, ओके एंड टू, किसके लिए क्या है, रेड वाला जो मार्क किया है ये क्या है, लोकल नोड, दिस कॉल्ड एज द लोकल नोड एंड दिस कॉल्ड एज अ ग्लोबल नोड। ओके, देखिए यहाँ पे एलिमेंट वन पे ग्लोबल नोड वन एंड टू, वन एंड टू, एलिमेंट टू पे ग्लोबल नोड टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, एलिमेंट थ्री पे ग्लोबल नोड थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर, और उसका जो लोकल नोड होगा वो होगा वन एंड टू। नाउ फोर स्टिफनेस मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, स्टिफनेस मैट्रिक्स इक्वेशन, देखिए यहाँ पे मैं स्टिफनेस फाइंड नहीं कर रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली लोडेड बार के लिए क्या होता है, के जो होता है वो होता है ए ई अपॉन एल ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट, ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट। ओके, मेरे पास एरिया पता है, ई पता है और एल पता है, तो ये बनेगा के वन के लिए कितना आएगा 358.33, 358.33, यहाँ पे वाले तीन ने करके मैं अंदर पुट कर दिया डायरेक्टली, अब यहाँ पे लगेगा क्या ऊपर, देखिए एलिमेंट वन के लिए क्या है वन टू वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, एलिमेंट टू के लिए क्या है, एलिमेंट टू का एरिया भी सेम है और लेंथ भी सेम है, ओके देखिए, और ई भी सेम है, तो क्या आएगा, सेम आएगा एज ऑफ इसकी तरह, बस यहाँ पे क्या होगा जो नोड नंबर होगा टोपोलॉजी की तरफ से वो क्या होगा, अलग होगा, वो होगा टू थ्री और यहाँ पे टू थ्री। फॉर एलिमेंट थ्री के लिए क्या होगा यहाँ पे नोड नंबर थ्री फोर, थ्री फोर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द ग्लोबल मैट्रिक्स इक्वेशन, जस्ट पुट करोगे यहाँ पे कितने बाय कितने मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ से समझता है फ्रॉम द टोपोलॉजी कितना एंड फोर, तो बनेगा फोर बाय फोर का मैट्रिक्स बनेगा ये यहाँ पे, ये तो देखिए यहाँ पे, ओके वन टू थ्री, ओके वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ओके इस तरह पुट करोगे आपको मैट्रिक्स बनेगा ग्लोबल मैट्रिक्स इक्वेशन।
नाउ द असेंबली मैटर्स क्या होगा, के ऑफ जी, यू ऑफ जी और एफ ऑफ जी। तो ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। कितने नोड्स है मेरे पास, चार नोड करके, यू वन, यू टू, यू थ्री, यू फोर, अगेन एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर। नाउ द ग्लोबल बाउंड्री कंडीशन, ओके, जी बी सी बोलते हैं उसको। यहाँ पे देखिए आना पड़ेगा आपको फिजिकल मॉडल में, क्या है यहाँ पे फिक्स करके, यू वन क्या होगा जीरो, एफ वन होगा क्वेश्चन मार्क। अगेन इंटरमीडिएट पोजिशन है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, बट पता नहीं क्या होगा। अगर यहाँ पे फोर्स है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे एफ दिया है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये केस में फोर्स दिया है टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो पॉजिटिव फोर्स यहाँ पे आएगा। देखिए आया पॉजिटिव फोर्स एफ टू पे 300 किलो न्यूटन। सिमिलरली एफ थ्री पे क्या है, इंटरमीडिएट पोजिशन है करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, यस होगा क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली फोर्स आएगा क्या, अगर रहेगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके नहीं है ना, यहाँ पे तीन पे तो नहीं आएगा, क्या होगा जीरो। नाउ मैंने इसको कंसिडर किया है, यहाँ पे बंद कर दीजिए कि यहाँ पे जैसे क्या दिख रहा है, इट्स लाइक अ फ्री एंड है। तो फ्री एंड में क्या होगा, देर विल बी द डिस्प्लेसमेंट बट देर विल बी नो फोर्स। ओके डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, पुट करो इसको इसमें इक्वेशन में जी बी सी में और सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यू टू, ओके आपको वैल्यू मिलेगा इसका यू टू का, ये यू टू है, यू टू, यू थ्री एंड यू फोर का वैल्यू मिलेगा। आपका यहाँ पे चेक करना है, अभी फ्री एंड आपने कंसिडर किया था, आपके जगह कितना है 0.3, कितना जगह है 0.3। अभी देखिए मेरा यू फोर कितना आ रहा है, यहाँ पे यू फोर आ रहा है 0.724, कितना आया 0.724। मतलब क्या हो रहा है, ये जो जगह है ये 0.3 है मेरे पास, तो क्या करेगा ये जब एक्सपांड होगा ये तो इसको स्ट्राइक करेगा, क्या करेगा इसको स्ट्राइक करेगा। अगर इसको स्ट्राइक कर रहा है मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये आगे कोशिश कर रहा जाने की, बट मेरे पर जगह ही नहीं है यहाँ पे आगे, तो कैसे जाएगा आगे। यहाँ पे कितना जगह है, यहाँ पे 0.3 है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा यू फोर का वो जो होगा कितना होगा, मैक्स टू मैक्स आई कैन अलाउ अप टू 0.3 mm में इसको अलाउ कर सकता हूँ। तो क्या बन गया ये सम, ये सम बन गया नाउ बोथ एंड फिक्स्ड। क्या बन गया ये बोथ एंड फिक्स्ड, उसमें क्या मेरे पास वैल्यू नोन है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0.3 होगा, मतलब यू फोर जो होगा वो 0.3 होगा और यू वन कितना होगा मेरा जीरो होगा। ओके समझ गया आपको ये, देखिए यहाँ पे लिखा है एज यू फोर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द गैप वी हैव टू मेक अ न्यू मैट्रिक्स कंसिडर रिंग दैट फ्री एंड कैन मूव ओनली डिस्टेंस इक्वल टू द गैप, क्योंकि गैप के हिसाब से जैसे कि 0.3 है। ऑल्सो द रिएक्शन एट द राइट हैंड सपोर्ट विल बी गेट प्रोड्यूस एज द फ्री एंड विल टचेज द राइट हैंड सपोर्ट। ओके फोर्स भी वहाँ पे आएगा। नोट अगर ऐसा नहीं होता, इफ द वैल्यू ऑफ यू फोर इज लेस देन द गैप देन सब्स्टिट्यूट द कैलकुलेट वैल्यू इन डिस्प्लेसमेंट में पुट करो एंड सॉल्व करो फॉर द रिएक्शन के लिए। एक ही रिएक्शन होगा वहाँ पे, यही सिंगल रिएक्शन होगा, उसके लिए सॉल्व करो। ओके बट ऐसा अपना केस नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पे यू वन तो हो गया जीरो, यू थ्री, यू फोर जो हो गया, हो गया 0.3। और सॉल्व करना पड़ेगा इसको मुझे एज पर द गॉस एलिमिनेशन मेथड, एज पर द गॉस एलिमिनेशन मेथड जिसमें की वैल्यू क्या है मेरा नोन है। ओके नाउ अभी देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है मैंने, इफ सेकेंडरी मैट्रिक्स एलिमेंट, ये सेकेंडरी मैट्रिक्स है, ये प्राइमरी मैट्रिक्स है। इफ सेकेंडरी मैट्रिक्स एलिमेंट आर नॉन जीरो, के सेकेंडरी मैट्रिक्स यू का जो कॉलम है सेकेंडरी और ये प्राइमरी मैट्रिक्स। इफ द सेकेंडरी मैट्रिक्स आर द नॉन जीरो वैल्यू देन मॉडिफाइड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो इसको कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्राइमरी मैट्रिक्स, सेकेंडरी मैट्रिक्स और ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके देन द मॉडिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द प्रोडक्ट ऑफ कट एलिमेंट, बाय प्रोडक्ट ऑफ कट एलिमेंट इन अ स्टिफनेस मैट्रिक्स, जो स्टिफनेस मैट्रिक्स कट हुआ है, ये कट हुआ है और ये कट हुआ है और ये भी कट हुआ है, ये भी कट हुआ है। ओके विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी मैट्रिक्स, मतलब इसका रिस्पेक्ट टू एलिमेंट क्या रहेगा, ये रहेगा, इसका रहेगा ये रहेगा, इसका रहेगा ये रहेगा, इसका रहेगा ये रहेगा। ओके आपको वहाँ पे लिखना है, इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको मेरा जो लेक्चर है गॉस एलिमिनेशन मेथड का वो देख लीजिए एक बार। ओके तो देखिए यहाँ पे ना मॉडिफाइड मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये जो है ये इतना जो आया यहाँ पे कट वो ये आ जाएगा, तो 7167 इनटू ये कौन सा रिस्क आएगा सेकेंडरी मैट्रिक्स यू टू, तो आएगा यहाँ पे यू टू का। ओके एज इट लिख दिया पहले मैंने यहाँ पे यू टू यू थ्री, ये पूरा मैट्रिक्स यू टू और जो फंक्शन मैट्रिक्स वहाँ पे क्या आएगा, पहला यहाँ पे आएगा 300 और जीरो लिख दिया, बाद में माइनस साइन लगा के क्या करूँगा मैं, जो रिस्पेक्ट टू कट हुआ है मतलब ये कट हुआ है कितना 358.33 इनटू यू वन, ओके तो जीरो है, देन जीरो इंटू जीरो गया तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा जीरो इंटू जीरो चला गया, बाद में यहाँ पे क्या कट हुआ ये 286, तो 286 इंटू आएगा यू फोर, तो
286 इंटू यू फोर, देखिए माइनस जीरो ओके प्लस 286.67 ओके, ना ये आएगा वैल्यू आपको ओके सो ठीक है, ये कट हुआ है यहाँ पे। नाउ जब सॉल्व करोगे आप लोग इसको मैट्रिक्स को, ये यू जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ यू टू एंड यू थ्री ओके। यहाँ पे स्किप करो स्टेप, ये स्टेप मैंने बताया बहुत बार, तो यू टू और यू थ्री मिलेगा। जैसे ये मिल गया, पुट करो ये इक्वेशन में और फाइंड करो एफ वन एंड फाइंड करो एफ फोर, तो आपको मिलेगा एफ वन रिएक्शन ये साइड में आएगा, एफ फोर मिलेगा यहाँ पे ओके। ये रहा ऑल अबाउट द लेक्चर ऑन द स्टेप बार विद द एक्चुअली ओके, स्टेप बार टू द एक्चुअल लोड विद द गैप एट वन एंड ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।